नमस्कार दोस्तों, मैं फास्ट न्यूज इंडिया से डॉक्टर के एस भट्टी। जैसे कि हम पहले भी आपसे चर्चा कर चुके हैं सीमा रेत बैंड सुसाइड केस की, उसके विषय में जैसे जैसे हम जांच कर रहे हैं हमें और भी जानकारी मालूम हो रही है कि हमने बात की है रेखा न्यूज चैनल दिल्ली, मोबाइल न्यूज दिल्ली, मानसिकता न्यूज दिल्ली, उर्वेश चौहान न्यूज, फायर ब्रिटेन न्यूज राजस्थान और समाचार 24 प्लस, ये चैनल जो है और इनके अलावा अनेक चैनल इस खबर को लेकर 4 साल से बार बार इसको दे रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मीडिया खबर देता है, मीडिया का मकसद सिर्फ खबर देना ही नहीं है, मीडिया का मकसद है जानकारी देना और उसकी जानकारी के आधार पर प्रशासन को अवगत कराना कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी मैं आपको बताऊंगा, समाचार प्लस न्यूज में सितंबर 2018 में बड़े विस्तार से एडवोकेट मुकेश चौहान, जो कि हेमराज चौहान के एडवोकेट हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से एक न्यूज चैनल को, समाचार न्यूज प्लस को, अपने इंटरव्यू में बताया है कि पूरा कैसे के कैसे वाकया हो रहा है, कैसे पुलिस काम नहीं कर रही है, कैसे SP लेवल के लोग तक प्रभावित हैं। और उसने तब 1 साल पहले कहा है कि जो SP को हटाना चाहिए वहाँ से, वो जो उनसे अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं उस वक्त पर हटाना चाहिए। हमने भी अपने चैनल पर इस बात की चर्चा की है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कहते हैं उसी न्यूज़ के कुछ अंश, जिसमें वकील साहब क्या कह रहे हैं, मुकेश चौहान उन्होंने क्या कहा है, पूरी बात का विश्लेषण किया है। और उसके बाद हेमराज चौहान का बयान आज की डेट में, लेकिन हम आपको फिर से कहना चाहते हैं कि हमारा ये न्यूज़ बार बार देने का उद्देश्य क्या है। पूरे का पूरा मीडिया, भारत का मीडिया एक बात को कह रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा और ये UP, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अब हम पंजाब से, ये खबर क्यों दे रहे हैं, किसी के साथ नाइंसाफी हुई है, एक डेथ नोट जो मृतका छोड़ गई है, हमारा ये सवाल है, एक डेथ नोट अगर एक मृतका छोड़ गई है और पुलिस को दे गई है, DDR में साफ लिखा है कि डेथ नोट साथ में नथी है, और नथी होना एक डेथ नोट जो ओरिजिनल दिया गया है वो गायब हो जाता है, क्या वो डेथ नोट उसके आधार पर FIR लॉजिंग होनी चाहिए थी, FIR करने के लिए वो पर्याप्त नहीं था। और जो आरोपी है, आरोपी को अगर पकड़कर गहनता से पूछताछ की जाती, सख्ती से पूछताछ की जाती, तो ये मामला अभी तक सुर्खियों में ना बना रहता। और हम ये सोचते हैं कि हेमराज जो भी 4 साल से इस केस की कार्रवाई कर रहा है और पढ़ा लिखा है, हमारा कहने का मतलब है कि जो अनपढ़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनका कोई सुनता नहीं है, जो बोल नहीं सकते हैं, किसी के पास जा नहीं सकते हैं, उनकी कौन सुनेगा, ये हमारा पुलिस प्रशासन को एक चुनौती भरा सवाल है कि ये जो प्रशासन है इसको ठीक किया जाए, दुरुस्त किया जाए। अगर आरोपी को पकड़कर जांच की जाएगी तो स्थिति खुद साफ हो जाएगी और ये जो मामला है सदा के लिए सॉल्व हो सकता है। SHO कंसल्ट किया कैंप परवल ने ओरिजिनल सुसाइड नोट लेकर के और इसकी कोई कार्रवाई नहीं की, दोषियों से जो इसमें दोषी थे उनसे उसने पैसे ले लिए, साठगांठ कर ली। इसमें एक बार और चीज ध्यान देने की ये है कि ASI रमेश चंद है इसमें इंचार्ज, जो एप्लीकेशन इसने सुसाइड नोट के रिगार्डिंग में, रेप के रिगार्डिंग में दी थी। उसके बाद में इसी चक्कर में इसकी घरवाली जो सीमा थी वो सुसाइड कर जाती है। सुसाइड करने के बाद में इसके जो फादर इन लॉज हैं, सीमा के जो पेरेंट्स हैं, मेटनर वहां के गांव वाले हैं, जो उन्होंने इसके खिलाफ 306 का मुकदमा दर्ज करा दिया 23/8/2015 को PS कैंप पलोल में ही। और बड़े ताजुब की बात यह है कि उसी कैंप पलोल में जो ASI रमेश चंद IO थे, जिनके पास इसकी पहली कंप्लेंट थी, इस केस में भी IO इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ASI रमेश चंद, SHO जितेंद्र डांडा जो कि इंचार्ज थे उस टाइम पे, उन्होंने दोषियों के साथ मिलकर के पैसे खा करके इसको
केस में बुक गलत तरीके से कर दिए, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज गलत कर दिए, जबकि उनको सारे केस के फैक्ट्स के बारे में जानकारी थी। बताऊं एसपी साहब को ये नहीं पता कि 376 आईपीसी की क्या डेफिनेशन है, कोई जानकार रेप नहीं कर सकता क्या? सेकेंडली रिश्तेदारी की जो बात करते हैं वो दोनों एक ही गांव के हैं, एक औरंगाबाद है एक मीतोल है, बहुत बड़ा गांव है, एक की पॉपुलेशन 15,000 के लगभग, एक की 10,000 के लगभग है, मीतोल के 10,000। वो जो आरोपी है इसमें वो वहां रहता है औरंगाबाद में, वो औरंगाबाद का रहने वाला है, हेमराज जो मेरा क्लाइंट है ये गांव मीतोल में रहने वाला है। और दूसरे एंगल से यदि एसपी साहब ये कहते हैं कि वो उसका आरोपी जो हेमराज वो है रतन सिंह है, वो उसके साथ घर आना जाना था, उसकी रेप की डेफिनेशन में ये है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमन, यदि कोई भी गलत काम होता है तो रेप की डेफिनेशन में आता है, वो जानबूझ के इस चीज को इधर उधर करने की कोशिश कर रहे हैं एसपी साहब, क्योंकि इसमें पुलिस वाले दो दोषी हो रहे हैं। पहली बात तो ये कि इसमें ये एएसआई रमेश चंद है, और दूसरी जो श्री जितेंद्र डांडा जब उस टाइम पे एसएचओ थे वो है, और तीसरी बात ये कि इन्होंने कई बार कंप्लेंट मूव की है, सीएम इंडो पे भी की है, यहाँ पे एसपी साहब को भी दी है, पीएमओ ऑफिस में भी दी है, बहुत सारी जगह पे एप्लीकेशन इसकी मूव मैंने की थी, कहीं पे कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इवन इनसे बुलाया जाता है ग्रीवेंस मीटिंग में भी इन्होंने दरखास्त दी थी। डीएसपी अभिमन्यु लोहान जी है यहाँ पे, वो इनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आपकी घरवाले का जो सुसाइड नोट की लाइट मैचिंग करानी है उसके लिए डॉक्यूमेंट दे दो। इसमें क्या हुआ था कि पहले इससे इस इंसिडेंट से पहले 6/11/2005 को उसके जो इसका फादर इल्ला था मानपुर का रहने वाला, उसने इससे पैसे ऐंठने की नियत से हेमराज से उसने एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया था पीएस अतीम में, उसमें उसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया इसकी बाबत, इसकी घरवाली को इससे कोई ग्रीवेंस नहीं थी, तो इसकी घरवाली ने एफिडेविट दिया, ये उसकी एफिडेविट कॉपी है जो इसकी घरवाली एक्सपायर हो गई, जो सीमा है उनका एफिडेविट है, इसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि मेरे पिताजी शराबी कबाबी आदमी है, इन्होंने मेरे पति के खिलाफ जानबूझ करके मुकदमा दर्ज कराया, जबकि मेरे पति मुझे कहीं पर भी कोई परेशान वाली बात नहीं करते, मैं इसमें आपको दिखाता हूं, देखो यहां पे देखो पैरा नंबर 4 है एफिडेविट का, ये पुलिस फाइल पे है पीएस अतीन में, मैं हरफन बयान करती हूँ कि मेरे पति और मेरे सास मेरे जेठ ने कभी मुझे जहर खाने के लिए नहीं कहा और ना ही कभी जान से मारने की धमकी दी, तथा ना ही मेरे पति हेमराज चौहान ने मुझे ना भेजने की बाबत किसी से कहा कि मैं जहर खा लूंगा या आत्महत्या कर लूंगा, मेरे पति की ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सत्य अपने पति के पास राजी खुशी से रह रही, तथा मेरा पिता रूप सिंह एक शराबी कबाबी आदमी है। इसमें क्लियर उसने डिफाइन किया, वो ही उसकी एक्सपायर हो जाती है, डेथ कर जाती है सुसाइड होने के बाद में, ये ही जिसके खिलाफ इन्होंने पहले एफिडेविट दे रखा था सीमा ने, हेमराज गरवाली ने, वही कंप्लेनेंट बनता है और हेमराज को एक झूठे मुकदमे में 306 के में बुक कराता है, जिसमें ये श्रीमती मनीषा बत्रा थी उस टाइम पे सेशनजज, उनके वहां से ये एक्विटल हो चुके हैं। एसपी साहब लिंगर ऑन करते जा रहे हैं, वो अपनी रेमेडी खत्म करना चाह रहे हैं, इसकी रेमेडी खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें क्लियर सबको दिख रहा है कि एएसआई रमेश चंद आई होता जिस टाइम पे इन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी स्टार्टिंग, जब उसकी घरवाली अलाइव थी सीमा जिंदा थी, उसके बिहार पे इन्होंने एक डीडीआर एंट्री की 25 नंबर डीडीआर एंट्री है, कैंप थाने में आप जाके देख सकते हैं, उसमें इन्होंने ओरिजिनल सुसाइड नोट दे दिया, इसमें नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस में वो कैसे टाइम दे सकता है, क्यों उसने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, जबकि इसमें मुकदमा दर्ज करना उसको चाहिए था, यदि मुकदमा दर्ज हो जाता तो इसकी घरवाली थी जो सीमा वो शायद आज इसके साथ होती और इसको न्याय मिलता रहता। इसमें मैं बताऊं जो उस टाइम पे डीएसपी एसपी या एसएचओ रहे थे जितेंद्र डांडा जी, उन्होंने तो पैसे खाए थे, ये तो क्लियर इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में प्रूव हो रहा है। अब ये दूसरी बात ये आती है कि इनके ऊपर कि यदि ये अब कार्रवाई करते हैं तो इसमें जो दो पुलिस वाले दोषी हैं जो जिनको ये बचाने के लिए से इसके ऊपर इसके केस पे इसकी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं करते, हम तो ये कहते हैं कि जो नेचुरल जस्टिस है वो इसके साथ होना चाहिए, जो इसकी पत्नी के खिलाफ जिन्होंने गलत काम किया था उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको समाज में इज्जत मिलनी चाहिए, जो होना था वो तो चलो हो गया, लेकिन जो आगे है ये डिप्रेशन में भी जाया हुआ है, ये अपने केसों की भी पैरवी ठीक ढंग से नहीं करवा पाया है, इस तरह से मेरी तो एसपी साहब से